हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। इन द कन्वेक्शन मेथड, कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड। कन्वेक्शन मेथड जो है, इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है फ्लूइड के जरिए होता है, लिक्विड के जरिए होता है या फिर गैसेस के जरिए होता है। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, एक ऐसा रीजन जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से कम टेम्परेचर की तरफ होता है। द हीट ट्रांसफर अकर्स बाय द मूवमेंट्स ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ, और इसमें जो है जो हीट ट्रांसफर होती है इसमें जो मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के, ये खुद ही फ्लूइड के खुद ही जो है ये चल के जाते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस अनदर प्लेस, ये खुद चल के जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ, तो जो फ्लूइड है वो खुद चल के जाता है। ओके, जैसे कि आपने सॉलिड में देखा था उसमें कोई एटम नहीं चल के जाता था, लेकिन इसमें जो है वो एटम खुद चल के जाता है। आगे देखेंगे, व्हेन अ लिक्विड आर गैस इज हीटेड, जब एक लिक्विड या गैस को हीट किया जाता है इट एक्सपैंड्स, तो ये फैलता है। एज अ रिजल्ट इट बिकम लाइटर एंड मूव्स, और एक रिजल्ट में ये जो है, मतलब जो उसको हीट करते हैं तो रिजल्टेंट में क्या होता है वो हल्का हो जाता है और मूव करने लगता है अपवर्ड ऊपर की तरफ। व्हेन अ लिक्विड या गैस हीटेड, जब कोई लिक्विड या गैस हीट की जाएगी तो पहली बात तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपैंड करेगा। एज अ रिजल्ट इट बिकम लाइटर, वो हल्का हो जाएगा और मूव करेगा ऊपर की तरफ। द कूलर, जो ठंडा होगा, बिहेवियर फ्लूड फ्रॉम सराउंडिंग रसेस टू टेक इट्स प्लेस एंड इट्स हीट टू टर्न, कह रहे हैं कि जैसे वो हल्का हो जाएगा है ना और ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ कोई लिक्विड है ना, इसमें कोई लिक्विड फिल है, इसमें कोई लिक्विड फिल है, और इसको हम किसी सोर्स से, किसी भी सोर्स से इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्लेम है, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो जब यहाँ के जो मॉलिक्यूल हीट होगा, यहाँ का मॉलिक्यूल अगर हीट होगा तो क्या करेगा, ये सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा है ना, और फिर इसके जो बगल का मॉलिक्यूल है, इसके जस्ट बगल का मॉलिक्यूल है, ये इसकी जगह लेने के लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसे खाली स्थान तो रहेगा नहीं, तो ये ऊपर चला गया, ये पास वाला आ गया, फिर ये जब हीट होगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर उसके पास वाला आ जाएगा, फिर जब ये हीट होगा ऊपर चला जाएगा फिर उसके पास वाला आ जाएगा, फिर एक स्थिति आती है जिसको बोलते हैं आप बॉयल हो रहा है, तो उस पर क्या होता है आपको दिखता है ऐसे तुरंत ऊपर जा रहा है तुरंत नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो इस प्रकार से दिखता है ना, यही बताना चाह रहे हैं कि द कूलर बिहेव फ्लूड फ्रॉम द सराउंडिंग रसेस टू टेक इट्स प्लेस एंड इट इज हीटेड इन टर्न, तो जो ठंडे वाले हैं इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो जो उसके सराउंडिंग में है, गर्म जहाँ हुआ है उसके जो बगल बगल हैं, रसेस टू टेक प्लेस इट्स प्लेस, उसकी जगह को लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं एंड इट्स हीटेड इन टर्न, और वो भी फिर गर्म हो जाते हैं। ठीक, ओके, आगे देखेंगे, दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड गिव राइज अ कन्वेक्शन करंट, और ये हमेशा लगातार चलता रहता है ये प्रोसेस, और यही जो है कन्वेक्शन करंट देता है। थ्रू विच हीट एनर्जी फ्लो एंड इंटायर लिक्विड आर गैस गेट्स हीटेड, तो इस प्रकार से जो हीट एनर्जी है वो फ्लो होती है, और जो फ्लूइड है, लिक्विड है या गैस है, वो पूरी की पूरी हीट हो जाती है। ठीक है, अंडर एडल्ट सुपरविजन, यहाँ एक एक्टिविटी है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। टेक अ सेसर आर स्मॉल प्लेट, फिल अ ग्लास कंटेनर विथ टैप वाटर एंड प्लेस इट
ऑन द प्लेस ऑन द प्लेट, एक प्लेट लेना है फिर और एक कंटेनर लेना है, उसमें हाफ ग्लास वाटर भर के इसको यहाँ रख देना है। लेट अस वाटर इन द कंटेनर सेटल एंड देन ड्रॉप अ टिनी पीक ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, एक स्पीक ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब ये पानी एकदम सेटल डाउन हो जाए, ठंड शांत हो जाए, तो उसमें एक छोटे से क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट के डालना है इन इट। लीव अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट अ मिनट, और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है अनडिस्टर्ब। नाउ पोर सम हॉट वाटर इन द प्लेट, और अभी यहाँ प्लेट में कुछ हॉट वाटर डालने हैं। तो क्या होगा, नीचे के पानी ऊपर जाने लगेंगे ना, यही तो होगा, अभी ऊपर यही नहीं अपने पढ़ा। इसमें होगा क्या, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, आपको देखना है क्या हो रहा है। स्मॉल स्ट्रीम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट राइज अपवर्ड, कह रहे हैं यहाँ की जो छोटी स्ट्रीम है ये ऊपर उठने लगेगी। अप टू डिस्टेंस एंड देन लूप्स डाउनवर्ड, कह रहे हैं कुछ दूरी ऊपर तक जाएगा फिर वो नीचे आने लगेगा। द हीट पोटेंशियल स्प्रेड इन द वाटर थ्रू कन्वेक्शन एंड मिक्स पोटेशियम परमैंगनेट इन द वाटर, कह रहे हैं जो ये हीट है स्प्रेड कर रही है इन द वाटर थ्रू कन्वेक्शन, जो हीट है ये वाटर में वाटर के थ्रू फैल रही है, वाटर से होके फैल रही है और मिक्स पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स कर रही है, जिससे हम लोग देख पा रहे हैं। आगे देखेंगे, यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं। ओके, कन्वेक्शन करंट गिव राइज टू ब्रिज इन कोस्टल रीजन, जो कन्वेक्शन करंट होता है ये ब्रिज देता है कोस्टल रीजन में, समुद्र किनारे रीजन होते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर देन द सी, दिन के समय में जो लैंड है जल्दी गर्म हो जाता है समुद्र के कंपेरिजन में, समुद्र के ऊपर जो एयर है वो थोड़ा सा स्लो हीट होती हैं और यहाँ लैंड वाले ज़्यादा तेज हीट होते हैं। सो द एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्मर एंड राइज अपवर्ड, इसीलिए जो एयर हैं लैंड के ऊपर वो ऊपर उठने लगती हैं, जैसे आपने भी ग्लास में देखा था है ना, ग्लास में जो है जो गर्म होते हैं ऊपर उठने लगते हैं। द कूलर एयर फ्रॉम अबव द सी रश टुवर्ड द लैंड एंड टेक इट्स प्लेस रिजल्टिंग इन अ सी ब्रिज ड्यूरिंग द डे, और रिजल्टेंट में क्या होता है आपको सी ब्रिज देखता है दिन के समय में। ये कहना क्या चाह रहा है, एक बार हम पेपर इसमें लेंगे, मान लेते हैं ये लैंड है, ये जो है लैंड है, ठीक है, ये ऐसे लैंड है और ये यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, यहाँ सन है, ठीक। तो सनलाइट तो सब पे पड़ रही है, लेकिन ये जो लैंड है ये जल्दी हीट होगा, और जब हीट होगा तो यहाँ की जो एयर है ये ऊपर उठने लगेगी है ना, अब यहाँ की जो एयर है ऊपर उठने लगेगी। अब अगर यहाँ की एयर ऊपर उठ रही है तो इसकी जगह को घेरने के लिए जो ठंडी एयर होगी वही आएगी, और लैंड जैसे आगे लैंड है तो वहाँ तो ठंडी है नहीं, लेकिन जो वाटर के ऊपर एयर है वो जो है जल्दी हीट नहीं होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर का लैटेंट हीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लैटेंट हीट हो सकता है आप अगले चैप्टर में पढ़ें या फिर फिजिक्स में होगा। तो यहाँ की एयर जो है इस साइड चल पड़ती है इसको कवर करने के लिए, और इसीलिए ये सी से आ रही है, इसको बोलते हैं सी ब्रिज, ठीक है। आगे है, तो दिन में के समय जब सूरज निकला हुआ सी ब्रिज चलेगी। एट नाइट, नाइट के समय अपोजिट हैपेंस, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा मतलब पहले तो लैंड की जो एयर है जल्दी ठंडी हो जाएंगी और जो समुद्र की एयर है वो जल्दी ठंडी नहीं होगी, तो जब जल्दी ठंडी नहीं होगी कंपेरिजन टू लैंड एयर में वो गर्म होगी तो वो भी ऊपर उठेगी, जैसे अभी आपने देखा सी ब्रिज में, तो जब समुद्र के ऊपर या सी के ऊपर जो एयर है ऊपर उठने लगेगी तो उसको कवर करने के लिए लैंड की एयर जाएगी, ठीक है, उससे लैंड ब्रिज होगा। तो कह रहा है इन द नाइट, एट नाइट द अपोजिट हैपेंस, इसका उल्टा होता है,
द लैंड कूल फास्टर, लैंड जो है जल्दी ठंडा हो जाता है. देयरफॉर द एयर अबव द सी इज वार्मर देन द एयर ओवर द लैंड. तो इसके कंपेरिजन में जो सी के ऊपर है वो ज़्यादा गर्म रहता है कंपेरिजन टू लैंड के ऊपर जो एयर है. एट नाइट, रात के समय, कूलर एयर फ्रॉम द लैंड, रात के समय जो ठंडी हवाएं हैं, फ्रॉम द लैंड रिप्लेस द वार्मर एयर. फ्रॉम द लैंड, लैंड से हवाएं जो हैं वो रिप्लेस करती हैं वार्मर एयर को. रिप्लेस करने का मतलब है समुद्र के ऊपर की जो एयर है वो ऊपर उठती रहती हैं धीरे धीरे, और यहाँ लैंड से एयर जाती है उसके जगह को घेरने के लिए. द सी रिजल्टिंग इन अ लैंड ब्रिज, और इसके रिजल्टेंट में क्या होता है, लैंड ब्रिज मतलब लैंड से सी की तरफ जाती रहती है. नेचुरल कन्वेक्शन करंट्स कीप इन अ अर्थ वर्म्स, नेचुरल जो कन्वेक्शन करंट है उसी के कारण अर्थ वार्म बनी रहती है. एयर फ्रॉम द वार्मर पार्ट्स ट्रांसफर सम ऑफ द हीट टू द कोल्ड पोलर रीजन. कह रहे हैं कि एयर जो कि जो पार्ट वार्मर है जहाँ पर गर्मी है वो ट्रांसफ़र होती रहती है सम ऑफ द हीट टू द कोल्ड पोलर रीजन, और उसकी हीट जो है थोड़ी थोड़ी करके पोलर रीजन पर ट्रांसफ़र होती रहती है, इसीलिए जो पूरी पृथ्वी है वो थोड़ी सी गर्म बनी रहती है. ओके, तो यहाँ एक फिगर है, इसको फिगर को देख लीजिए, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज का फिगर है. यहाँ देखिए लैंड पे जल्दी जो एयर है वो वार्म हो रही है तो राइज कर रही है ऊपर की साइड, और जैसे ही राइज कर रही है यहाँ सी पे जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं जो कूल हैं कूलर हैं ये यहाँ चली आ रही हैं, तो इसको बोलेंगे सी ब्रिज, और ये डे के समय होगा. और लैंड ब्रिज होगी इसमें देखेंगे ये जो है जल्दी ठंडा हो गया कूलर लैंड, ये जल्दी ठंडा हो गया, ये इसके कंपेरिजन में हॉट है गर्म है, तो इसकी हवाएं ऊपर उठेंगी और ये जो है इसको घेरने के लिए उसके स्पेस पर जाने के लिए, तो यहाँ पर लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है. आगे आपके कुछ प्रश्न है, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट, तो इसमें अगला है कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड, आपको बताना है इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सपैंड होगा. आप जो है वहाँ डाल सकते हैं इसका फ़ोटो लेके क्रॉप करके क्लास एट का जो ग्रुप है उस पर डाल सकते हैं असाइनमेंट वाला. आगे है कन्वेक्शन करंट गिव राइज टू ब्रीज, कन्वेक्शन करंट जो है वो देता है ब्रीज देता है कि लाइटनिंग इन द कोस्टल रीजन देता है. तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन हम लोग आएंगे तो देखेंगे रेडिएशन. थैंक यू.